वर्ष 2021, यह वर्ष मेष राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम है। एक तो आपके आत्मबल में वृद्धि होगा, आपके संबंधों में सुधार होगा। यह वर्ष आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। धन की स्थिति सुदृढ़ होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको एक्स्ट्रा करिकुलर से धन लाभ होगा। आपके बौद्धिक क्षमता से धन लाभ होने की संभावना बन रही है। आप भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं, इसका प्रबल युग बन रहा है। आपको माता का सुख मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। वाहन संभल कर चलावें, शुभ कार्य का योग बन रहा है। भाग्य आपके पक्ष में है, समस्त इच्छित कार्य आपके संपन्न होंगे। पिता का सुख प्राप्त होगा, नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है। आपके लिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अच्छा रहेगा। आपकी माली हालत सुदृढ़ होगी। मई जून जुलाई अगस्त थोड़ा सा चुनौती भरा होगा। सितंबर अक्टूबर नवंबर एवं दिसंबर में आपका चतुर्थिक दृष्टिकोण से यह लाभप्रद रहेगा। इस वर्ष आपके लिए अच्छा रहे इसके लिए आपको क्या करना है कि सूर्य की आराधना करना है एवं भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। तो ये जो वृष राशि के लोग हैं इनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। सकारात्मक विचार रखें, आपकी महत्वाकांक्षाओं के पूर्ण होने का यह वर्ष है। आपको पत्नी का सुख प्राप्त होगा, धर्म पत्नी के लिए अच्छा है। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, नए व्यापार होने का प्रबल योग बन रहा है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। भाग्य आपके पक्ष में है, यह वर्ष आपके लिए सफलता के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको खर्च पर थोड़ा नियंत्रण करने की जरूरत है क्योंकि आय से अधिक व्यय होने की संभावना बन रही है। शुभ कार्यों में धन खर्च होगा, देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। इस वर्ष जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आपके लिए धन के लिए सर्वोत्तम है। मई जून जुलाई एवं अगस्त अच्छा रहेगा तथा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपका उतार चढ़ाव से युक्त होगा। यह वर्ष आपके लिए अच्छा हो इसके लिए आपको क्या करना है कि भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके लिए यह वर्ष प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, नए कार्यों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको ललित कला से, लेखन कार्य से, शेयर इत्यादि से, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। रोग एवं शत्रुओं की संख्या में वृद्धि का योग बन रहा है। पत्नी का सुख एवं माता का सुख प्राप्त होगा। विदेश यात्रा का प्रबल योग बन रहा है। आयात निर्यात से धन प्राप्त होने की संभावना बन रही है। अनेक स्रोत से धन लाभ होगा। भूमि भवन एवं रियल इस्टेट से आपको लाभ होने की संभावना बन रही है। सरकारी नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। आय से अधिक व्यय का भी योग बन रहा है। शुभ एवं निर्माण कार्यों के लिए धन काफी खर्च होने की संभावना बन रही है। आपके लिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बहुत ही अच्छा रहेगा। मई जून जुलाई एवं अगस्त के लिए नए कार्य के लिए बेहतर साबित होगा और अंतिम चार महीना आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, चुनौती हो सकती है। आपके लिए वर्ष अच्छा हो इसके लिए आपको क्या करना है कि भगवान श्री गणेश की आराधना करें, हरी वस्तु का दान करें, गौशाला में गाय को हरा चारा खिलावें। मंत्र आप लिख लीजिए, ओम गं गणपते नमः। इस मंत्र का आप जप करें आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया। एक तो आपका विजन एवं आइडिया से धन प्राप्त होगा। जो भी आपकी विजन होगा, जो आइडिया होगा, आपकी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का समय आ गया है। महत्वाकांक्षाओं के पूर्ण होने का योग बन रहा है। संतान सुख प्राप्ति का योग बन रहा है, किंतु संततियों से वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। यह समय चुनौती भर आपका हो सकता है। आपके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी, गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, हिडन शत्रु बढ़ेंगे, जिससे थोड़ी सी आपके लिए चिंता हो सकती है। आपके पद कद में वृद्धि का भी प्रबल योग बन रहा है। धर्म पत्नी को नौकरी एवं आत्मनिर्भर होने का भी योग बन रहा है। सरकार एवं सरकार से धन लाभ होगा। सरकारी उच्च पद प्राप्त होने की संभावना बन रही है। आपको राजनीति से लाभ भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। चतुर्थिक क्षेत्र से धन लाभ का योग बन रहा है। वाहन सुख एवं घर इत्यादि भी बनाने का योग बन रहा है। परिवार में शुभ कार्य होने का भी प्रबल योग बन रहा है। आपके लिए जनवरी फरवरी मार्च एवं अप्रैल थोड़ा तनाव भरा हो सकता है। वहीं मई जून जुलाई एवं अगस्त आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर अनुकूल रहेगा। आपको क्या करना है कि आपका मन स्थित हो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, इसके लिए आपको चंद्रमा की आराधना करना है। सफेद वस्तु दान करें और क्या करें कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि वाले जातक हैं यह वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि भवन एवं वाहन सुख के लिए यह सर्वोत्तम वर्ष साबित होगा। नई नौकरी, नया व्यापार, चतुर्दिक प्रगति का भी प्रबल योग बन रहा है। संतान सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। प्रारब्ध से आपके समस्त कार्य संपन्न होंगे। रोग एवं शत्रु को हल्के में न लें, उनसे सावधानी बरतें।
ऋण से मुक्ति मिलने का योग बन रहा है। भाग्य आपका साथ देगा। राजनीतिक लाभ एवं नया व्यापार तथा नया कार्य पिता के सहयोग से होने की संभावना बन रही है। राजनीतिक लाभ मिलने का भी योग बन रहा है। आयात निर्यात से लाभ होगा। परिवार में शुभ कार्य का भी योग बन रहा है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आपके लिए चुनौती भरा होगा। शुभ कार्य का भी योग बन रहा है। वहीं मई जून जुलाई एवं अगस्त अति उत्तम रहेगा। सितंबर अक्टूबर नवंबर एवं दिसंबर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। शुभ कार्य एवं पदोन्नत के लिए यह वर्ष सर्वोत्तम सिद्ध होगा। आपको क्या करना है कि लाल वस्तु का दान करें और गौशाला में गाय को गुड़ एवं पूड़ी जरूर खिलावें। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनके लिए वर्ष उपलब्धियों के लिए सर्वोत्तम है। आप अपना आलस्य त्याग कर कर्म क्षेत्र में लगें, आपके लिए सही समय है। भाग्य से आपके समस्त कार्य एवं इच्छाओं के पूर्ण होने का समय चल रहा है। माता पिता का सुख मिलेगा। नए व्यापार का प्रबल योग बन रहा है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। संतान से लाभ एवं मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आपकी समाप्त होगी। धन लाभ का भी प्रबल योग बन रहा है। घर खरीदने का योग बन रहा है। शिक्षा तथा एकेडमिक क्षेत्र से धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है। आय के अनेक स्रोत प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आपके लिए खास तौर से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सर्वोत्तम रहेगा। वहीं मई जून जुलाई एवं अगस्त उससे बेहतर सिद्ध होगा। तो पुनः देखा जाए तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने का भी योग बन रहा है। यह वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण हो इसके लिए आपको क्या करना है कि गणेश जी की आराधना करें, पंचमेवा का खीर गणेश जी को अर्पित करें। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। तो जो तुला राशि वाले जातक हैं उनके लिए समय बहुत ही कीमती है। आप कीमती वाणी बोलते हैं, कीमती वाणी से धन कमाएंगे। स्किल से आपके अंदर जो एक्स्ट्रा करिकुलर है, स्किल है, बौद्धिक क्षमता, उससे आपको धन लाभ मिलने की संभावना बन रही है। लेखन कार्य एवं साहित्यिक क्षेत्र से धन लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा वाणी पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। परिवार में शुभ कार्य का प्रबल योग बन रहा है। नए घर एवं जमीन तथा वाहन खरीदने का भी प्रबल योग बन रहा है। नौकरी से आपको लाभ मिलेगा। पदोन्नति होने की भी संभावना बन रही है। राजनीतिक लाभ मिलेगा। आपको संतान सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन उत्तम रहेगा। देश विदेश की यात्रा का भी योग बन रहा है और विदेश से धन लाभ हो सकता है। आपके कर्म क्षेत्र में परिवर्तन का योग बन रहा है। पिता से धन लाभ मिलेगा। आपके लिए देखा जाए तो जनवरी फरवरी मार्च एवं अप्रैल उत्तम रहेगा। मई जून जुलाई एवं अगस्त में नए कार्यों को होने का भी योग बन रहा है। परिवार में शुभ कार्य हो सकता है, इसका प्रबल योग बन रहा है। आपके लिए सितंबर अक्टूबर एवं नवंबर तथा दिसंबर संतान लाभ के लिए सर्वोत्तम है। शुभ कार्यों का भी प्रबल योग बन रहा है। आपको क्या करना है कि सफेद वस्तु का दान करें, दूध से बनी वस्तु का दान करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं आपको चल अचल संपत्ति से लाभ मिलेगा। नए कार्यों का होने का प्रबल योग बन रहा है। अनेक क्षेत्र से धन लाभ होगा। आपको नई नौकरी, पदोन्नति, शुभ कार्य तथा शत्रु से पीड़ा मिल सकता है। पत्नी से अनबन रहेगा। हेल्थ पर ध्यान दें। भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है। भाग्य आपके अनुकूल है। भाग्य से आपके समस्त रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। जो पाइपलाइन में कार्य सब में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। जनवरी फरवरी मार्च एवं अप्रैल में बहुत ही अच्छा है। वहीं मई जून जुलाई अगस्त उत्तरोत्तर प्रगति रहेगा, होता रहेगा तथा सितंबर अक्टूबर नवंबर एवं दिसंबर में उत्तरोत्तर विकास होगा। आपको मंगल की पूजा करें और हनुमान जी की आराधना करें, लाल वस्तु का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं धनुराशि की। तो जो धनुराशि वाले जातक है उनके लिए वर्ष काफी महत्वपूर्ण है। एक तो आपके यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है। समस्त इच्छाओं के पूर्ण होने का योग चल रहा है। चतुर्दिक क्षेत्र से धन लाभ होगा। कीमती वाणी एवं बुद्धि कौशल से तथा कीमती सलाह से धन कमा सकते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। संतान सुख एवं संतान की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। फरवरी सरकारी नौकरी एवं उच्च पद प्राप्ति का भी योग बन रहा है। रोग एवं शत्रु परास्त होंगे। पत्नी सुख प्राप्त होने की संभावना बन रही। पत्नी को नौकरी मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन उत्तम होगा। विदेश यात्रा में विदेश से धन लाभ का भी योग बन रहा है। आयात निर्यात से धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। आर्थिक स्थिति अनेक स्रोत से मिलने से सुदृढ़ होगी। आप अपने गुस्सा पर नियंत्रण रखें। आपके लिए जो जनवरी फरवरी मार्च एवं अप्रैल उत्तम के लिए उत्तम है। मई जून जुलाई एवं अगस्त उत्तरोत्तर बेहतर साबित होगा। वहीं सितंबर अक्टूबर नवंबर एवं दिसंबर में बहुत ही बेहतरीन होगा। आपको उपाय क्या करना है कि बृहस्पति के दिन पीला वस्त्र, खिचड़ी एवं दाल भरी पूड़ी गाय को अवश्य खिलावें और मंत्र पढ़ें, ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। तो जो मकर राशि के जातक हैं आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको ख्याति मिलेगा, यश मिलेगा और जो भी आप इमेजिनेशन कर रहे हैं वो उसको रियलिटी में बदलने का समय आ गया है। और यश पद प्रतिष्ठा में धन में वृद्धि का योग बन रहा है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा
और आपको तमाम अनेक प्रकार के स्रोत से व्यापार एवं धन लाभ होगा। भूमि भवन का लाभ होगा, संतान से पीड़ा प्राप्त होगी, विदेश यात्रा में विदेश धन लाभ का भी योग बन रहा है, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। जनवरी फरवरी मार्च एवं अप्रैल बेहतरीन रहेगा, मई जून जुलाई एवं अगस्त उत्तम लाभ देगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत ही बेहतर होगा। आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आप शनि के दिन क्या करें कि सरसों का तेल दान करें और शनि देव को जल अर्पित करें, सरसों के तेल का दीपक जलावें, ओम संग सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए बेहतर होगा। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि के। जो कुंभ राशि के जातक हैं आपके लिए समय अच्छा है, अपने परिश्रम एवं मेहनत से और अपने बाहुबल से खूब धन अर्जित करने की संभावना बन रही है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, धन संपदा अर्जित करने वाले होंगे, वाहन सुख मिलेगा, गाड़ी इत्यादि का भी सुख मिलेगा, सुख संपदा की प्राप्ति का प्रबल योग है, रोग एवं शत्रु परास्त होंगे। आपको थोड़ा सा रोग और शत्रु को हल्के में ना लें, सावधानी बरतें। राजनीतिक लाभ होगा, ख्याति एवं प्रतिष्ठा प्राप्ति का भी योग बन रहा है, आय का स्रोत बढ़ेगा, पिता से लाभ मिलेगा, विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। आय व्यय पर थोड़ा सा नियंत्रण करें, नहीं तो आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, मई जून जुलाई अगस्त अति उत्तम रहेगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं प्रगति का योग बन रहा है। शनिवार के दिन आप क्या करें कि लोहे की कोई वस्तु न खरीदें, हनुमान जी की आराधना करें और काली वस्तु दान करें, कंबल गरीबों को दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन के। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा होगा। एक तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, धन के क्षेत्र में प्रबल योग बन रहा है, अपने परिश्रम पुरुषार्थ से आपको धन लाभ का योग बन रहा है, राजनीति एवं सरकार से लाभ का योग बन रहा है, यात्रा में लाभ का योग बन रहा है, संतान सुख प्राप्त होगा, संतान से भी लाभ होगा, भाग्य आपके पक्ष में होगा, भाग्य से सभी कार्य आपके के संपन्न होंगे, जो भी कार्य पाइपलाइन में वो आपका संपन्न होगा, पिता का सुख प्राप्त होगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, आपकी माली हालत अच्छी होगी, विभिन्न प्रकार के स्रोत से धन लाभ होगा, कोर्ट कचहरी में अगर मुकदमा चलेगा तो आपको विजयश्री मिलेगी, माता पिता का सुख प्राप्त होगा, पिता के सहयोग से कई प्रकार के कार्य करेंगे और जो भी आपकी परेशानियां हैं दूर होगी। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल उत्तम रहेगा, मई जून जुलाई अगस्त चुनौती भरा होगा, वहीं सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर बेहतर सिद्ध होगा। आप भगवान विष्णु जी की एवं माता लक्ष्मी की आराधना करें, गौशाला में गाय को दाल भरी पूड़ी खिलावें, ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। ये रहा आपका जनवरी से लेकर के जून तक का, और ये जो नया वर्ष 2021 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस वर्ष का राजा जो 2021 है, 2020 का अवसान हुआ और 2021 का आगाज हो रहा है, तो आइए ज्योतिष के आईने में देखें कि 2021 कैसा रहेगा। तो जो 2021 है इसका राजा और मंत्री दोनों भूमि पुत्र मंगल है, मंगल ऊर्जा का कारक होता है, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से भारत के लिए यह वर्ष आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। आपका चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्निकल क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का फील्ड हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे डिप्लोमेटिक क्षेत्र हो, इसमें भारत का महत्व बढ़ेगा और भारत उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आपके क्रूड ऑयल का रेट घटेगा, सोने का रेट में उछाल आएगा और उतार चढ़ाव दोनों बना रहेगा, शेयर के भी रेट में काफ़ी उतार चढ़ाव होंगे, रियल इस्टेट के भी रेट में स्थिरता बनी रहेगी और सोना चांदी के रेट में भी उत्तरोत्तर उतार चढ़ाव लगा रहेगा, देश की माली हालत अच्छी होगी, शेयर से लाभ मिलेगा और विभिन्न प्रकार के स्रोत से धन मिलेगा, चाहे विज्ञान का क्षेत्र, उसमें भारत एक अपना अहम भूमिका निभाएगा, पड़ोसी देशों से यह अपना अच्छा रिश्ता रखने की कोशिश करेगा। तो देखा जाए तो 2021 आपके आर्थिक क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, विज्ञान के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा बढ़िया है, राजनीतिक दृष्टिकोण से सर्वोत्तम होगा और भारत का पूरे विश्व में बड़ी ही अहम भूमिका होगी और भारत का महत्व बढ़ेगा। तो भारत देखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसका महत्व बढ़ेगा और भारत की आर्थिक स्थिति, वैज्ञानिक स्थिति, मेडिकल के फील्ड में और अध्यात्म के क्षेत्र में, गुरु के क्षेत्र में, हर जगह भारत का बोलबाला बढ़ेगा और उत्तरोत्तर धन की स्थिति अच्छी होगी, छोटे दलों का प्रादुर्भाव समाप्त होगा, बड़े दल का महत्व बढ़ेगा और कई राज्यों में भारत की भूमिका बहुत अच्छी रहेगी। प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, सामुद्रिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आगजनी राजजनी की भी होने की संभावना बनी रहती है। चूंकि यह वर्ष, इस वर्ष का राजा मंगल है, मंत्री भी राजा है, तो भूमि से संबंधित चीज़ें जैसे आपके खरीफ की फसलें हैं तो इसमें आपको रबी की है चाहे खरीफ की, इसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, तेलहन है दलहन है इसका रेट बहुत अच्छा रहेगा, किसानों के लिए वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा और रोग व्याधि के लिए यह वर्ष
थोड़ा सा उतार चढ़ाव का रहेगा, तमाम तरह के संकटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन देखा जाए तो भारत उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, विश्व में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो हमने आपको बताया कि 2021 कैसा रहेगा, एक चीज़ बताया। दूसरा आपको बताया कि मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातक के लिए वर्ष कैसा रहेगा, उनको क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने, समय ने विस्तार में बताया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।